Utkam Bhavan Trust or पूरे हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान के इस सामूहिक कार्यक्रम में राजस्थान और देश के सभी समाज के प्रतिष्ठित भाइयों बहनों इस पूना की ऐतिहासिक नगरी सांस्कृतिक नगरी गौरवशाली नगरी विद्या औद्योगिक तकनीकी की यह नगरी वीरता शौर्य और साहस इस धरती का स्वाभिमान रहा है। छत्रपति शिवाजी के नाम से हम सबको आज भी नया साहस शौर्य वीरता और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ये पूना जहां आजादी के आंदोलन के प्रणेता रहे सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता रहे आध्यात्मिक जीवन के अंदर दिशा देने वाले प्रणेता रहे इस धरती पर उनकी सबकी प्रेरणा से आपने भी उसी तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे अभी सभी समाजों ने अपनी अपनी सेवाओं का वर्णन किया लेकिन इन सब समाजों की प्रेरणा हमारे समाज की जो उत्पत्ति हुई है उन्होंने उस समय उनके विचार उनके कार्य उनका समर्पण उनकी सेवा के कारण ही हमें प्रेरणा मिली है। जब भगवान महेश की हम संतान मानते हैं तो भगवान शिव ने जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष पिया, आज महेशी समाज उसी तरीके से समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का काम कर रहा है और उनकी पीड़ा उनकी दर्द को अपनी दर्द समझ रहा है। उसी तरीके से अग्रवाल समाज अभी अग्रसेन जयंती निकली है, अग्रसेन जी महाराज ने अपने शासन के अंदर कैसा शासन होना चाहिए शासक कैसा हो इसके लिए उनके सिद्धांत विचार एक रुपया एक ईंट समाज में निर्माण हो और व्यापार उद्योग करने के लिए समाज सामूहिकता के साथ मिलकर सबका काम करे और इसीलिए आज उनकी प्रेरणा है कि अग्रवाल समाज भी उसी दिशा के अंदर भगवान महावीर के विचार जो दुनिया में आज भी प्रासंगिक है उनके विचार सिद्धांतों को जीवन जीने की राह और जिस तरीके से अहिंसा पे चलकर उन्होंने जीवन जीने की राह बताई उन्होंने सत्य अहिंसा और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि अपरिग्रह और आज जो कुछ भी है समाज के लिए है ये भगवान महावीर के सिद्धांत और विचार थे। तो हमारी विचारों और सिद्धांतों को आज हम कर रहे हैं तो हमारे पूर्वजों के उन्हीं संस्कार विचारों के कारण कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम विचारों को संस्कारों सिद्धांतों को आगे लेकर जाएं और उसको किस तरीके से आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं संस्कारों को इन्हीं विचारों को लेकर चले ताकि भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति सेवा समर्पण त्याग तपस्या ये हमारे संस्कार रहे और इसीलिए दुनिया के कई देश भौतिक संसाधनों से हमसे ज्यादा बड़े होंगे धन से भी बड़े होंगे लेकिन भारत आध्यात्मिक धर्म संस्कृति और सामूहिकता के साथ समाज के सभी लोगों की सेवा करने का काम अगर कोई देश कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। ये हमारे संस्कार हैं
और इस संस्कार को हमने कोविड के समय, जब दुनिया के अंदर सबसे वैश्विक महामारी थी, दुनिया में हमसे ज्यादा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, आर्थिक संसाधन भी थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे युवा वैज्ञानिकों के रिसर्च के कारण, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, समाज की सभी मिलकर किस तरीके से समाज के अंदर अभाव, गरीब, वंचित लोगों की सेवा करने के संस्कार के कारण हम उस कोविड की चुनौती को लड़ सके। जैसा अभी उन्होंने बताया कि कोविड में हमने किस तरीके से पुणे में काम किया, इसी तरीके से देश भर के अलग अलग देश के प्रदेशों में मेरा जाना होता है, और ये सामूहिक संकल्प शक्ति, सामूहिक काम करने की हमारी पद्धति, हमारे विचार, हमारा आध्यात्मिक रूप से हमें प्रेरणा देने वाले हमारे महापुरुष के कारण आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई सी भी चुनौती, कोई सी भी आपदा आएगी, हमारी सामूहिक ताकत समाज की इतनी बड़ी है कि अब चुनौती और आपदा को मुकाबला करने की हमारी शक्ति। और हम देखते हैं कि देश के अंदर कहीं भी आपदा संकट आया, किसी भी जिले में आया, किसी भी ढाणी में आया, लेकिन पूरा देश वो आपदा संकट के समय उन लोगों के साथ खड़ा रहा। यह हमारे देश की विविधताओं की ताकत है। आज दुनिया के अंदर जब लोकतंत्र के अंदर, जब देश के कई हिस्सों के अंदर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी बड़ी है कि जितनी हमारी विविधताएं हैं और जितनी हमारी डेमोग्राफी है, यही हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है कि अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली और दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, वह धर्म भारत के अंदर है और सबको अपनी उपासना पूजा करने की स्वतंत्र पद्धति है, तो दुनिया के अंदर भारत के अंदर हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, विचार सब अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता है तब सब हम एक हैं और विविधताओं की ताकत ही हमें जोड़ने का काम कर रही है। ये भी दुनिया के अंदर एक अद्भुत रूप से भारत के अंदर ही लोग देखते हैं, और इसीलिए आज इस 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आज हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक युग शुरू किया। ये पुणे की धरती रही। आज सुबह जब मैं महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी में गया था, जब 137 साल पुरानी उस संस्था के समाज के लोगों ने खड़ी की, किस तरीके से महात्मा फूले जी, ज्योति फूले जी ने उस समय विचार किया कि महिला शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आ सकता है, एक संस्कारित पीढ़ी, एक पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार करनी है तो हमें महिला शिक्षा पर जोर देना होगा, और उस सामाजिक कुर्तियों के उस संकल्प, उस व्यवस्था के बाद भी उनका संकल्प और आत्मविश्वास ऐसा था कि दुनिया में अंदर आज जब महिला शिक्षा की आती है तो ज्योतिबाई फूले को याद दुनिया करती है। इसलिए व्यक्ति रहे न रहे, उनके विचार और सिद्धांत जरूर रहते हैं, और इसीलिए आप जो भी समाज में काम कर रहे हैं, चाहे आप यहां धर्मशाला बना रहे हैं, प्याओ बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, अन्न भंडार बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी, और इस प्रेरणा को हमारी पूर्वजत पीढ़ी ने जो पुण्य कमाया, जो प्रतिष्ठा कमाई, उसको आने वाली पीढ़ी तक ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता ज्यादा बन जाती है कि हम ज्यादा समर्पित सेवाओं से बात करें। आज शहीद भगत सिंह जी का जन्म है, और शहीद भगत सिंह जी ने उस समय जब उनकी उम्र 18-19-20 साल की उम्र थी, उस समय उनको क्या प्रेरणा थी? प्रेरणा उनको गीता की प्रेरणा थी, और उन्होंने उसी प्रेरणा को प्राप्त करके कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए समर्पित किया, बलिदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि गोविंद गिरि जी महाराज नहीं रहे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने जब देखा कि वेद, विज्ञान, संस्कृत की भाषा कहीं लुप्त हो रहा है, तो वो निकले समाज की ओर, और उन्होंने देश भर के अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर वेद विद्यालय शुरू किए, संस्कृत शुरू की, ताकि हम हमारी प्राचीनतम शिक्षा पद्धति,
हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को जीवंत रख सके। और आज इसी की आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर हम हमारी विरासत पर भी गर्व करते हैं और हमारी आधुनिकता पर भी हम गर्व करते हैं। ये दोनों संदेश हम लेकर जा रहे हैं और इसीलिए आज दुनिया के अंदर जब विरासत के गर्व के साथ हम आधुनिकता की जब बात करते हैं तो दुनिया के अंदर आज भारत एक ऐसा देश है जिसके नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन की क्षमता, नए कार्य करने की क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। आप दुनिया के अंदर जितने भी रिसर्च देख लो, जितने भी इनोवेशन देख लो, नए नए विश्व की चुनौतियों का समाधान करने का काम भारत का नौजवान कर रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक समय हमारे यहां 10, 20, 50 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज हर नौजवान मुझे मिल जाता है, पूना में मिले नौजवान, हम कोई स्टार्टअप के माध्यम से एजुकेशन में काम कर रहा है, उपभोक्ता में काम कर रहा है, हेल्थ में काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टरों के अंदर कोई डिफेंस में काम कर रहा है, कितने सेक्टरों के अंदर हमारे नौजवानों ने उस 70,000 से ज्यादा और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न के माध्यम से आज दुनिया के अंदर जो भी भविष्य के वर्तमान चुनौती और आने वाली चुनौतियों के मामले के लेकर जिस तरीके से समाधान करने का काम किया तो भारत ने किया। आज दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, दुनिया का कितना भी विकसित देश होगा लेकिन उस विकसित देश के अंदर बौद्धिक क्षमता और इनोवेशन और रिसर्च की क्षमता का नौजवान है तो भारत की नौजवान है जिसके कारण विश्व के अंदर उस देश की प्रगति को देने का काम कर। इससे हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी सामर्थ्य शक्ति, हमारी अद्भुत शक्ति हमारी है। इस पूना की धरती पर देख लें किस तरीके से पूना के अंदर रिसर्च के मामले में, तकनीकी के मामले में, विज्ञान के मामले में, आज विज्ञान जब मैं पूना आता था तो पूना एक छोटा शहर था, आज विराट बन चुका है। देश भर का विद्यार्थी यहां पढ़ने आता है, यहां आईटी पढ़ने आता है, यहां मैनेजमेंट पढ़ने आता है, यहां लॉ पढ़ने आता है, यहां रिसर्च करने आता है। और ये धरती के अंदर रहने वाले लोगों के ने सबको साथ समाया, उन बालकों को, बच्चों को, बालिकाओं को एक अच्छा वातावरण देने का काम किया, अच्छा संस्कार देने का काम किया। जहां आवश्यकता पड़ी आपने हॉस्पिटल बनाए, गरीब लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कमरा न मिले इसके लिए अलग अलग समाजों ने भवन बनाने का काम किया। और यही कारण है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से तैयार करें और आने वाली पीढ़ी पर हमें गर्व है कि आने वाली पीढ़ी के कारण हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि अब हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, और इस लक्ष्य और संकल्प को हम 130 करोड़ सामूहिकता के साथ पूरा करेंगे। और आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप चले जाओ, उस दुनिया की सारी कंपनियों को अगर आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में सबसे अगर अच्छा कोई देश मिलता है तो भारत मिलता है। कोई जमाना था डिफेंस के अंदर, अन्य सेक्टरों के अंदर हम 70% इंपोर्ट करने का काम करते थे, आज हम इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी ताकत और समझ शक्ति बनी है। इसलिए आप बिजनेस के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्या हम हमारे उन सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम ग्लोबल चेन के दायरे जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, मैं कई देशों के अंदर गया कि वहां पर मैं पूछता था कि सबसे ज्यादा यहां पर भारत क्या बेचता है तो कहता है ऑटोमोबाइल्स, दवाइयां, आईटी कंपनियां, रिसर्च। जितनी दुनिया के अंदर विकसित देश किसी जमाने में आईटी के सॉल्यूशन देते थे, आज आईटी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं यहां पूना में बैठकर भी विदेश के लिए काम करती, ये हमारी ताकत और शक्ति बनी है। हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ले जाएं आप, हमारे केमिकल और दवाइयों के सेक्टर में चले जाएं, आज भारत एक बड़ा आर्थिक हब बनने जा रहा है। और इस आर्थिक हब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो समाज के आप सब लोगों ने किया है जो यहां पर बैठे हैं। और इसीलिए
आज हमारी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमें और काम करना है। हमें इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सामूहिकता के साथ काम करें, मिलकर काम करें, जरून के काम करें। ये मेरा देश है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस देश के अंदर जो भी मैं सेक्टर के अंदर काम करता हूं उस सेक्टर के अंदर सर्वश्रेष्ठ करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दूंगा, सबसे बेहतरीन सेवाएं दूंगा, तो दुनिया के अंदर भारत आने वाले समय के अंदर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बनेगा। और दुनिया के अंदर देश भारत की ओर देख रहे हैं, हम इसको देखने में हमारी जो कुछ भी क्षमता है उस क्षमता का अधिकतम उपयोग करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत जहां उद्योग व्यापार के सेक्टर के अंदर अपना काम कर रहा है, वहां सामाजिक सेक्टर के अंदर हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी विरासत, इस सबको भी संभालने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आप सबको विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद दूंगा कि आज पुरुषोत्तम लोहिया जी का आग्रह था, विशेष रूप से श्याम जाजू जी आए थे, हमारे सांसद महोदय ने कहा कि आपको पुणे आना है, काफी समय बाद मेरा पुणे आना हुआ, कम समय के लिए आया, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर अनुभव हुआ कि एक ऐसी धरती है जिसमें एक अत्यधिक ऊर्जा है, सामर्थ्य है, काम करने का जनून नई दिशा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय जिस तेजी से पुनः बढ़ रहा है, हर सेक्टर के अंदर पुनः बढ़ रहा है, आप सबके सहयोग से इसको और आगे बढ़ाएं। जब पुनः बढ़ेगा, उसके इंडस्ट्रीज बनेगी, सर्विस सेक्टर बनेगा, एजुकेशन सेक्टर बनेगा, तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सामूहिकता के संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सामूहिकता से काम करने हमारे संस्कृति संस्कार हैं। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।